मार्केट में जब नथिंग फोन वन आया था इसकी काफी ज्यादा हाइप थी, लेकिन प्राइस देखते ही भाई काफी लोगों ने कहा कि ये तो महंगा है। लेकिन अभी विद टाइम इसकी जो इज्जत है मार्केट में बढ़ते जा रही है, क्योंकि 30,000 में काफी कचरा फोन लॉन्च कर रही है कंपनियां। तो भाई नथिंग फोन वन की तो काफी हाइप हो गई, लेकिन नथिंग फोन टू का क्या, जो की काफी जल्दी लॉन्च होने वाला है। तो आज की इस वीडियो के अंदर देवी और सज्जनों आपका भाई उसी की बात करने वाला है। तो जिस तरीके से नथिंग फोन वन का जन्म भाई जुलाई में हुआ था, इसी तरीके से 2023 के जुलाई में नथिंग टू आएगा, इसका बड़ा भैया। तो भाई नथिंग टू के अंदर सबसे पहले जो चेंज होगा वो डेफिनेटली ग्लिफ लाइट और लुक में होने वाला है। ऐसा नहीं है ग्लिफ लाइट नहीं मिलेगी, जैसे कि दूसरे लोगों ने भाई काफी लाइक और व्यूज बटोरे हैं थंबनेल पर आरजीबी ग्लिफ लाइट शो कर करके। तो भाई यहां पर काफी सारी लीक्स आ रही हैं, ये बताया जा रहा है कि नथिंग टू में आरजीबी ग्लिफ लाइट हो सकती है। अब ग्लिफ लाइट इस फोन का एक मेन अट्रैक्शन रही है, तो भाई इनको लगता है आरजीबी होने के बाद काफी सारे लोग उसे पक्का बाय करने वाले हैं, क्योंकि लुक में तो डेफिनेटली काफी फ्यूचरिस्टिक लगता है और आरजीबी ऐड करती तो और मजा आ जाएगा। लेकिन हमें नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। क्या हुई, क्योंकि भाई कार्ल ने खुद कंफर्म करा है कि अगर आरजीबी दूंगा तो काफी भद्दा लगेगा फोन। तो ये चीज तो क्लियर है, आरजीबी लाइट नहीं आ रही। और ये जो दो कैमरे है ना, ये भाई बीच में खिसक के आ जाएंगे, और इस बार दो नहीं तीन कैमरे होंगे 50-50 मेगापिक्सल के। तो यहाँ पर ये भी एक चेंज है, जो थर्ड कैमरा और टेलीफोटो बताया जा रहा है, और इसी के साथ प्राइस भी बढ़ेगा भाई, ऐसे नहीं है सेम प्राइस पर मिल जाएगा। बाकी मेरी एक शिकायत है, लाइक 50 मेगापिक्सल का इसके अंदर अल्ट्रा वाइड भले ही मिलता है, लेकिन सैमसंग के अगर 12-8 मेगापिक्सल से भी कंपेयर करूं तो मैं सैमसंग को पिक करना चाहूंगा। यहाँ पर 50 मेगापिक्सल जस्ट नंबर के लिए अच्छा लगता है, लेकिन क्वालिटी में अल्ट्रा वाइड 50 मेगापिक्सल का बिल्कुल भी वर्थ नहीं लगा मुझे। तो आई होप कि ये नेक्स्ट सीरीज जो ला रहे हैं 50 मेगापिक्सल के साथ, उस पे अच्छे से काम करें। और कैमरास में एक छोटा सा चेंज हो रहा है, फ्रंट में 16 मेगापिक्सल है ना अभी, बट नथिंग फोन 2 के अंदर मिलेगा 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेंसर। और इसका लाइट कंट्रोल में पहले इशू था, लेकिन विद अपडेट इसे सही कर दिया गया है। तो आई होप कि नथिंग 2 के अंदर पहले से फ्रंट कैमरा सही होकर आए। अब लुक तो ठीक था भाई नथिंग का, काफी फ्यूचरिस्टिक, लेकिन फ्रंट से काफी शिकायतें थी। सबसे पहली शिकायत वो थी बेजल और चेन, तो कार्ल बावा ने सुन ली है इस बार बेजल और चेन कम देने वाले हैं नथिंग फोन 2 के अंदर। और पंच होल भाई मिड में होना चाहिए था, ज्यादा प्रीमियम फील कराता है फोन को, तो इस बार मिड में ही पंच होल मिलने वाला है। वैसे काफी लोगों को साइड पंच होल पसंद है, जब कंटेंट देखते हैं तो एक तरीके से गायब हो जाता है, लेकिन कुछों को मिड पंच होल पसंद है। तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना आपको कौन सा पंच होल पसंद है। बाकी अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो, चैनल पर पहली बार आए हो, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो लाइक जरूर कर देना। और शिकायत नंबर थर्ड, इसकी पीक ब्राइटनेस भाई, इसकी आउटर पीक ब्राइटनेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, विजिबिलिटी खत्म है, बाहर जाती है लगता है टॉर्च मार के देखना पड़ेगा कि क्या लिखा है इसके डिस्प्ले में। तो आई होप कि इस बार जो पीक ब्राइटनेस है डिस्प्ले की बढ़ा दी जाए। वैसे लीक्स के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलेगी, लेकिन देखना होगा क्या बूस्ट हो पाएगी। बट डेफिनेटली एक चीज है जो कि इस फोन को खरीदने के लिए मजबूर कर सकती है, वो है प्रोसेसर। ये फोन अंडर 40,000 आने वाला है, और इसके अंदर मिलेगा स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर। और स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर काफी तगड़ा प्रोसेसर है इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ हीट कंट्रोल। मैंने हर चीज में उसे टेस्ट करा है, उसकी गेमिंग परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है। बट देखना होगा नथिंग अपने नथिंग ओएस के साथ कितने अच्छे से और से ऑप्टिमाइज करेगा और आपको कितनी अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस देगा। बाकी हीट कंट्रोल वगैरह तो मेरे को लग रहा है नथिंग अच्छे से कर ही लेगा। इसके अलावा नथिंग फोन के अंदर इस बार मिलेगी 4700 mAh की बैटरी, स्टिल अभी भी 5000 mAh का बैटरा नहीं है, बट वाइस का बैटरी बैकअप भी मेरे को ठीक ठीक मिला, और 4700 आई थिंक इनफ है। बट बात यह है कि चार्जिंग कितने वोट की मिलेगी। वैसे लीक्स के अकॉर्डिंग 67 वोट बताया जा रहा है, लेकिन दुख दर्द पीड़ा वाली बात तो यह है बॉक्स के अंदर चार्जर मिलना ही नहीं है। और फोन के अंदर कुछ होना हो, लेकिन एक चीज में भाई नथिंग की काफी तगड़ी पकड़ है, वो है सॉफ्टवेयर अपडेट। इसके अंदर 3 साल की मेन अपडेट और 4 साल का सिक्योरिटी पैच है, और मेरे को लगता है कि नथिंग फोन 2 के साथ भी सेम ही मिलने वाला है। बाकी अपडेट भी इनकी विद टाइम आ रही है, और इंप्रूवमेंट भी काफी अच्छी कर रहे हैं अपडेट के बाद। पहले से फोन काफी फास्ट हो गया है, और कैमरा भी काफी इंप्रूव हुआ है। बाकी देखने वाली बात यह है नथिंग फोन 2 के अंदर जैसे कि स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 लाने वाले हैं, और जो लीक्स आ रही है 40,000 अगर ये होता है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर भाई इस फोन के अंदर स्नैपड्रैगन 778G+ प्रोसेसर दिया था, और उस टाइम पे ये प्रोसेसर 20-25,000 वाले फोनों के अंदर मिलने स्टार्ट हो गया था। तो इस फोन की हाइप तो बनी थी, लेकिन इंडिया के अंदर ये फोन ओवरप्राइज्ड के धब्बे के साथ आया था। तो देखना होगा 8+ Gen 1 के साथ क्या ये नथिंग फोन 2 40,000 में निकालते हैं या नहीं। बाकी आप बताना आप कितने में लेना पसंद करोगे इस फोन का, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन जो भी हमने आपके सामने रखी है। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। अगर आप नथिंग फोन 1 चला रहे हो तो अपना कमेंट सेक्शन में हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, और अगर आपको ये फोन बाय करना है तो मैंने प्रोडक्ट व्यू में टैग कर दिया, उस पर क्लिक करके आप बाय कर सकते हो। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जॉन मैगा टू वॉच योर हार्ट फील स्टेट इन विद एचएफबी अनबॉक्स गाइस।